Okay. Good morning, students. Last class we have already completed our chapter and virus and viroids and lichens, prions we have completed, and now we have to come about the different comparison. How to compare the different kingdom here? Five kingdom classification we have learned. तो different kingdom के कुछ special criteria है जो आपको एक बार और एक बार फिर से रिवाइज करनी है इसको. तो फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है ना, यहाँ पे क्राइटेरिया जो पैरामीटर से उसको देके रखा है, और यहाँ पे फाइव किंगडम मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया. क्लियर? तो फर्स्ट वी आर कमिंग अबाउट द सेल टाइप. तो सेल टाइप में क्या हो जाएगा, डेफिनेटली अंडरस्टूड मोनेरा किस कैटेगरी में आएगा, प्रोकैरियोटिक, एंड अदर्स ऑल आर कमिंग अंडर यूकैरियोटिक. सो प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया ऑल आर कमिंग अंडर यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है ना, दे हैव द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑल द फोर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस विल बी प्रेजेंट देयर, एंड देयर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स विल बी प्रेजेंट. मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, है ना, ये सब जो चीजें होता है, गॉल्गी एपरेटस, दे विल बी प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स में क्या मतलब क्या नहीं रहेगा, व्हाट आर दे आर लैकिंग, दे आर एक्चुअली दे डू नॉट हैव द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, एज वेल एज दे डू नॉट हैव the membrane bounded cell organelles. ठीक है, सेल वॉल. सेल वॉल में क्या हो जाएगा ना, इसके पास मोनेरा के पास जो सेल वॉल होगा, दैट इज एक्चुअली मेड अप बाय पेप्टाइडोग्लाइकन, दैट इज नॉन सेलुलोजिक एंड पॉलीसेक्राइड, है ना. तो इट इज कमिंग अबाउट द नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड प्लस अमाइनो एसिड, इसको हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन. और प्रोटिस्टा के क्या होता है ना, समटाइम्स प्रेजेंट होता है, जैसे मान लो आप यूग्लिना के अंदर, इसमें क्या रहेगा, कोई सेल वॉल नहीं रहेगा, उसके क्या रहेगा ना, पेलिकल रहेगा, किसी किसी में होगा, किसी किसी में नहीं होगा. फंगी में प्रेजेंट होगा लेकिन कोई सेलुलोज नहीं रहेगा, उसमें काइटिन कॉम्प्लेक्स शुगर क्या रहेगा, काइटिन. और प्लांटी में तो डेफिनेटली सेलुलोज रहेगा, सेल वॉल भी रहेगा, सेलुलोज रहेगा, और यहाँ पे एनिमल में कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट वन वी आर कमिंग फॉर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ऑलरेडी आई टोल्ड मोनेरा के पास क्या होगा, आइडियल न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहेगा, दैट मीन्स द न्यूक्लियस इज विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. प्रोटिस्टा में मतलब ऑल आर यूकैरियोटिक, डेफिनेटली क्या होगा, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, और जो जो यूकैरियोटिक है उसके अंदर सभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट रहेगा. अच्छा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा ना, मोनेरा जो है ऑलरेडी ऑल ऑफ यू नो दैट वन, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा जो है यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, और बाकी सब कौन से सिस्टम में आ जाएगा, मल्टीसेल्युलर. बट उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस जैसे है कि मोनेरा यूनिसेल्युलर, प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर, फंगी क्या है, मल्टीसेल्युलर बट लूज टिश्यू, उसके पास क्या है, लूज टिश्यू सिस्टम है ना, हाइपी, माइसिलियम. एंड इन केस ऑफ प्लांटी देयर टिश्यू ऑर्गन्स ऑर्गेनिज, देयर टिश्यू एंड टिश्यूज आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गेन. एंड इन केस ऑफ द एनिमल्स क्या क्या रहेगा ना, ये भी मल्टीसेलुलर रहेगा बट यहाँ पे टिश्यू ऑर्गेन ऑर्गेन सिस्टम प्रेजेंट रहेगा. तो थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट आपको नजर में आ रही है, ये लूज टिश्यू है, ये टिश्यू ऑर्गेन फॉर्मेशन हो रहे, फिर इसके बाद टिश्यू ऑर्गेन ऑर्गेन सिस्टम फॉर्मेशन हुआ एनिमल्स में, तो दैट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे ग्रेजुअली इट इज डेवलपिंग. मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा में क्या रहेगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी रहेगा क्योंकि सम ऑफ देम आर हैविंग द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड सम आर केमोसिंथेटिक ऑल्सो एंड सम आर हेटरोट्रॉफिक इन नेचर. ऑटोट्रॉपिक में क्या क्या दो दो आएगा, केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक. एंड हेटरोट्रॉपिक में जैसे सेप्रोफाइटिक कंडीशन, पैरासाइटिक कंडीशन, ये सब आ जाएगा. सेप्रोफाइटिक मीन्स डेड एंड डिकिंग जो ऑर्गन जो मैटर है उसको ये कंज्यूम करेगा. पैरासाइटिक इसी के ऊपर डिपेंड रहेगा फॉर देयर न्यूट्रिशन. तो ये दोनों कंडीशन ही इसके अंदर आएगा, मोनेरा के अंदर. प्रोटिस्टा के अंदर क्या आ जाएगा ना, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक दोनों कंडीशन ही रहेगा. फंगी तो टोटली ये हेटरोट्रॉफिक कंडीशन क्योंकि इसके पास तो कोई पिगमेंट होता ही नहीं है, ग्रीन पिगमेंट, तो डेफिनेटली इसको क्या करना है ना, दूसरे के ऊपर डिपेंड करना है. स्पोरोफाइटिक कंडीशन भी रहेगा और पैरासाइटिक कंडीशन भी रहेगा.
और इसमें क्या आएगा, ये तो टोटली क्या होता है ना, ऑटोट्रॉपिक रहता है कि फोटोसिंथेटिक है ये प्लांट जो है, एनिमल्स क्या है टोटली हेटरोट्रॉपिक कंडीशन। इसके न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो दीज आर द क्राइटेरिया और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच वन ना, हेयर फाइव किंगडम डिफरेंसेस बिटवीन द फाइव किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल टाइप, सेल वॉल, सेलुलोजिक है या नॉन सेलुलोजिक है, या सेलुलोज प्रेजेंट है कि नहीं, आइदर प्रेजेंट या एब्सेंट, समटाइम्स प्रेजेंट समटाइम्स एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसी में है किस में नहीं है, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में धीरे धीरे कैसे यूनिशल, दोनों यूनिशलर है, कौन कौन यूनिशलर है ना, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, और फंगी में लूज टिश्यू, ये तो सभी मल्टीसेलुलर में आ जाएगा, तो उसमें भी लूज टिश्यू, और फिर प्लांट में टिश्यू ऑर्गन, और एनिमल्स में टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक तो आप प्लांट्स में टोटली ऑटोट्रॉफिक, फंगी में टोटली हेटरोट्रॉफिक, एनिमल्स में टोटली हेटरोट्रॉफिक, बाकी मोनेरा एंड प्रोटिस्टा दे आर ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज द हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन वी आर कमिंग फॉर द वन क्वेश्चन इज देयर, इट इज गिवन इन योर एक्सरसाइज ऑल्सो, तो हेयर कॉम्पिटिटिव अकाउंटमेंट्स वही डिफरेंस ही है, तो दैट्स वाई आई हैव रिटन हेयर दिस क्वेश्चन एंड यू ऑल्सो बी राइट देयर इन योर कॉपी। सो गिव अ कॉम्पेरेटिव अकाउंट ऑफ किसकी ना, क्लासेस ऑफ किंगडम फंगी अंडर द फॉलोइंग, दो कंडीशन से, कंडीशन के ऊपर ऊपर आपको क्या करना है ना, इसको डिफरेंशिएट करनी है, किसको डिफरेंशिएट करनी है ना, फंगी की, किंगडम फंगी की जितने क्लासेस है, चार क्लासेस ऑलरेडी आप प्लान कर चुके हो, कौन कौन सा क्लासेस है, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूट्रोमाइसिटिस। ठीक है, तो इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसके बेसिस पे आपको इसको डिफरेंशिएट करनी है, अदर ऑर्गेनिज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और देयर टाइप इसके उसके ऊपर डिपेंड नहीं करना है, या आपको दूसरे कुछ क्राइटेरिया के ऊपर नहीं है, ओनली मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो फाइकोमाइसिटिस इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है ना, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, तो अंडरस्टूड है क्योंकि फंगी का क्लासिफिकेशन है, क्लासेस है, तो डेफिनेटली ये सभी सेप्रोफाइटिक पैरासाइटिक कंडीशन में आ जाएगा, और एस्कोमासिटिस भी वही है, सेप्रोट्रॉफिक मतलब क्या है कि दे आर एक्चुअली कंज्यूमिंग द डेड एंड डिकेइंग बॉडी, पैरासाइटिक दे डिपेंडिंग ऑन अदर्स फॉर द न्यूट्रिशन, बेसिडियोमाइसिस में वही है, सेप्रोट्रॉप्स, पैरासाइट्स एंड प्रीडेसियस एंड मतलब कंज्यूमिंग द अदर, एंड ड्यूट्रोमाइसिटिस में क्या आ जाएगा, पैरासाइट्स एंड सेप्रोफाइटिक। तो ये हो गया आपके मोड ऑफ न्यूट्रिशन में चारों क्लासेस के डिफरेंशिएशन। इसके बाद आ जाएगा मेन जो चीजें है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें ऑलरेडी हम लर्न कर चुके हैं, और एक बार मैं इसको डिफरेंशिएट को बता देते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके कॉन्सेप्शन भी और भी क्लियर हो जाएगा चारों के बीच। तो फाइकोमाइसिटिस में क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो यहाँ पे क्या क्या बोला मैंने, तीन कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे, एसेक्सुअल, सेक्सुअल एंड जहाँ पे वेजिटेटिव है वहाँ पे वेजिटेटिव। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय कौन सा है, जूस्पोर, यहाँ बहुत बार आते हैं कि राइट द नेम ऑफ द एसेक्सुअल स्पोर्स विच आर मोटाइल इन केस ऑफ द फंगी एंड विच आर नॉन मोटाइल। तो जूस्पोर किस में आ जाएगा, मोटाइल में आ जाएगा, एप्लानोस्पोर किस में आ जाएगा, नॉन मोटाइल में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में आ जाएगा ना, गैमेटेंजियल फ्यूशन, दोनों हाइपी के अंदर फ्यूशन हो सकता है, या गैमेटिक फ्यूशन, तो इसमें सोमाटिक बॉडी के अंदर भी फ्यूशन हो सकता है, या गैमेटेंजियल फ्यूशन भी हो सकता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में आ जाएगा। एस्कोमाइसिस में क्या है, ये तो पर्टिकुलर आपके पास आ जाएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कोनिडियम, है ना, यहाँ पे क्या क्या था, जूस्पोर एप्लानोस्पोर, यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना है। एस्कोमाइसिस में क्या है ना, दैट इज कमिंग बाय कोनिडिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेटोजोअल कॉन्टैक्ट थ्रू एस्कोस्पोर, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है एस्कोस्पोर, जो प्रोड्यूस क्या हो जाएगा एंडोजेनसली, कितना, 8 एस्कोस्पोर दे आर अरेंज टुगेदर इन एस्काई, है ना, एस्काई मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्काई, एस्काई अगेन अरेंज इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्कोकार। ऑलरेडी जब हम एस्कोमाइसिटिस पढ़े थे उस टाइम हम अच्छे से डिस्कस कर दिए इस चीज को। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कोनिडिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एस्कोस्पोर विच इज प्रोड्यूस्ड एंडोजेनसली इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एस्की एंड एस्की आर अरेंज्ड इनसाइड द एस्कोकार्प, एस्कोकार्प इज द फ्रूटिंग बॉडी फॉर एस्कोमाइसिटिस। बेसिडियोमाइसिटिस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन,
यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट है, ये दोनों कंडीशन में आपको थोड़ा सा याद रखना है, एसेक्सुअल स्पोर्स आर एब्सेंट बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू प्लाज्मोगैमी एंड द रिजल्टेंट डाइकैरियन, मतलब प्रोडक्शन ऑफ क्या आ जाएगा, बेसिडियम व्हिच प्रोड्यूसेस क्या, फोर बेसिडियोस्पोर एक्सोजेनसली एंड बेसिडियर अरेंज्ड इन बेसिडियोकार्प। देखो एक्सोजेनसली एंड एंडोजेनसली इन दोनों की मीनिंग ऑलरेडी पहले ही बोल चुके हैं। एंडोजेनसली का मतलब है इनसाइड द एस्का इट विल बी प्रोड्यूस्ड, और एक्सोजेनसली मतलब आउटसाइड द बेसिडियम, है ना, इट विल बी प्रोड्यूस देयर, है ना, बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड कहाँ, ना आउटसाइड, ये रहा देखो ये एस्कास जिसको हम लोग प्लूरल में क्या बोलते हैं, एस्काई, एस्काई आर अरेंज्ड इन अ फ्रूटिंग बॉडी दैट इज कॉल्ड एस्कोकार्प, ठीक है, और ये हो गया आपकी एस्कोस्पोर, ठीक है, कितने 8 एस्कोस्पोर्स आर अरेंज्ड, और इसको हम लोग एंडोजेनसली इसलिए बोल रहे हैं कि अंदर हो रहे। बेसिडियम जो फ्रूटिंग बेसिडियम किसके अंदर आएगा, बेसिडियोकार्प के अंदर आएगा, और बेसिडियम से क्या प्रोडक्शन होगा, बेसिडियोस्पोर, कितना बेसिडियोस्पोर प्रोडक्शन होगा, 4 बेसिडियोस्पोर एंड दैट इज ऑल्सो एक्सोजेनसली मतलब आउटसाइड है। यहाँ पे दोनों के डिफरेंस भी हम आपको अच्छे से समझा दिए थे उस दिन। तो नाउ वी आर कमिंग फॉर बेसिडियोमाइसिटिस जिसके अंदर क्या है, ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है बाई फ्रेगमेंटेशन बट एसेक्सुअल स्पोर्स आर एब्सेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू प्लाज्मोगैमी, प्रोडक्शन इज बेसिडियम एंड व्हिच इज प्रोड्यूसिंग व्हिच वन, बेसिडियोस्पोर एक्सोजेनसली। अच्छा ड्यूट्रोमाइसिटिस में क्या आ जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द ओनली वे ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू कोनिडिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। तो ड्यूट्रोमाइसिटिस में क्या एब्सेंट रहता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बेसिडियोमाइसिटिस में क्या एब्सेंट रहता है, एसेक्सुअल स्पोर्स मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और बाकी जो दोनों हैं फाइकोमाइसिटिस एंड एस्कोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस में एसेक्सुअल स्पोर्स कौन सा है, ना आइदर जूस्पोर और एप्लानोस्पोर, ठीक है, और एस्कोमाइसिटिस में क्या है, ना एसेक्सुअल स्पोर्स जो है दैट इज कोनिडिया एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एस्कोस्पोर, ठीक है। तो ये हो गया आपकी चारों के अंदर डिफरेंशिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ विच वन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड हेयर ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। एक्सरसाइज अदर क्वेश्चंस विल डिस्कस आफ्टर। तो फर्स्ट वी आर जस्ट मेकिंग द डिफरेंसेस, तो आपको देखना डिफरेंसेस जब आप लर्न कर लोगे या थोड़ा सा समझ लोगे तो आपको डिफरेंट जो किंगडम के बारे में आप पढ़े हो तो उसके पूरा क्लियर एक आइडिया आपके पास आ जाएगा। तो जैसे फर्स्ट हम इसको क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लाजलेट्स मतलब प्रोटिस्टा की जो